शायद आपने सुना होगा NDE। NDE क्या होता है ये? NDE मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस मौत जैसा अनुभव, ऑलमोस्ट डेथ। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि आप अभी भी जिंदा हैं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। अगर काम तमाम हो गया होता फिर तो बात ही ना होती, ये वीडियो नहीं बनता। जिंदा हूँ कुछ देखकर। तो ऐसे बहुत से लोगों ने अपने अनुभव बयां किए हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है उनके लिए, उनके साथ NDE, जो NDE के किस्से सुनाते हैं लोग, अच्छे सुनाते हैं, सही सुनाते हैं, दुरुस्त सुनाते हैं बिल्कुल। लेकिन NDE जब होता है, जब सामने मौत नज़र आती है कि बस इसके बाद मेरी लीला खत्म, तो एक विचार आता है कि यार पास्ट की जिंदगी कैसी थी, क्या किया मैंने। उस टाइम जो रिवर्स गियर लगता है ना, कि अगर मैं अब बच जाऊं तो ऐसा, और बहुत से लोग उसमें बचे हैं, तब उनकी जिंदगी में पलटा आ जाता है, आ जाता है। पलटा मतलब एकदम रिवर्स गियर लग जाता है कि अगर मैं बच गया तो ऐसा, और वो बच गए तो फिर कैसा, जैसा उन्होंने उस टाइम सोचा था। फिर वो परवाह नहीं करते, पहले जैसे कैसे थे, शिकायत करना, दुखी रहना, इवन सिक रहना। यस, सिक रहना भी उनकी एक चॉइस थी। ये बहुत बारीकी से समझने वाली बात है, आपको शायद समझ नहीं ही आएगी, क्योंकि कोई भी आदमी बीमार नहीं रहना चाहता। लेकिन उस टाइम आप सोचेंगे, यार बीमार रहना भी मेरी ही चॉइस थी। दुखी होने के लिए किसी ने नहीं बोला था, जेलसी करने के लिए किसी ने नहीं बोला था, किसी के ऊपर दया ना करो ऐसे किसी ने नहीं बोला था, ये मैंने ही किया था। सुबह उठते ही किसी ने नहीं बोला था कि ऐसा कहो यार नींद पूरी नहीं हुई, साला ये मैट्रेस ही खराब है, वॉशरूम जाओ, ये साला नल टपक 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 करता है, सर में बजता है, जैसे पेट साफ नहीं होता मेरा, जो इस टाइप की मतलब कंप्लेंट्स। खैर ये बातें कुछ भी हो सकती हैं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अलग अलग हो सकती हैं हर इंसान की। उसके बाद जो होता है, जो आदमी डिसीजन लेता है, फिर उसके ऊपर अगर रखे, आज के बाद नहीं, अब अगर यहाँ से बच गया तो मेरी लाइफ ऐसी होगी, तो मैं ज़िंदगी जीऊँगा अपने, कोई बोलता मैं मकसद के लिए जीऊँगा, कोई बोलता मैं सेवा के लिए जीऊँगा, लोगों की सेवा करूँगा, कुछ भी करे। दैट टाइम यू नो योर कॉलिंग। कॉलिंग होती है जो आपकी कोर से, अंदर से चीज़ उठती है, उभर कर आती है कि दिस इज़ व्हाट यू आर, दिस इज़ वेयर यू शुड बी, दिस इज़ वेयर आई शुड बी। ये है मेरे अंदर का हिस्सा, इसको तो मैंने पहचाना ही नहीं, और मेरा तो आ गया था टाइम, आ गया था। जब ऐसा होता है तब इंसान चेंज होता है, और बहुत से लोग ऐसे चेंज हुए हैं, बहुत से लोग चेंज हुए हैं, बहुत से लोगों ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं मौत को देखने के बाद। लेकिन हम वहां तक पहुंचे ही क्यों, तो आज से ही ना क्यों तय कर लें, NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। नो, एंड यू डोंट हैव टू डाई। अगर पहुंच गए, अगर वहां पर पहुंच गए, आपको डिसीजन लेना है, बाई चांस पाँव फिसल गया तो, अगर उधर पाँव चले गए तो देयर इज नो कम बैक, फिर कम बैक नहीं है। तो वेट मत कीजिए माई डियर्स, लव यू ऑल। वेट नहीं करना, इंतज़ार नहीं करना, आज है, आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। अपने अंदर की बात सुनिए, अपनी आत्मा की बात सुनिए, अपनी कोर की बात सुनिए, आपके दिल की बात सुनिए, आपके मन की बात सुनिए, अपनी बात सुनिए। बी योर सेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस एंड स्टार्ट लिविंग। छोड़ो शिकायतें, छोड़ो ये सब नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें।
आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप अपने आप को ज़्यादा जानते हैं मुझसे, तो देखिए क्या आप करना चाहते हैं। टाइम बहुत कम है, जब उस टाइम तो टाइम होता ही नहीं है, सब काम तमाम हो चुका होता है, तो ज़िंदगी फ्रम पलटा खा जाती है, पलटा अभी भी खा सकती है अगर उसी डर के साथ आज ही तय कर ले कि करना क्या है, कैसे करना है, अभी से लग जाए, ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ ज़्यादा बोल दिया तो क्षमा कीजिएगा, बुद्धि नहीं है भाई इतनी है, लेकिन कुछ मैं ऐसा शेयर करना चाहता था आप लोगों से, शेयर करूं, आप लोगों के विचार क्या है वो भी दीजिए प्लीज़ है, तो ताकि मैं भी गियर अप हो जाऊं अपनी लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।